बस तो आपको एनिमल्स एंड देयर यंगर्स वंस की प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं जो इको फ्रेंडली रहेगा, जिसमें हम कुछ थर्माकोल नहीं यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ऐसा बोर्ड लेना है, टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर, फेविकोल और इसको पानी का घोल, सीजर, पेंटिंग, कुछ कटआउट्स और ट्रीटेड पेपर। ये हार्डवेयर शॉप पे ये पीले रंग का रामराज मिट्टी आती है, इसको और फेविकोल को पेस्ट बना करके इसको पूरा प्रोजेक्ट को रंगेंगे हम। तो ये आपको हम दिखा देते हैं, ये हार्डवेयर शॉप पे मिलती है। येलो रंग का मडी कलर आता है, ठीक है। ये हम आपको मेन दिखाना आपको ज़रूरी था मुझे। तो इस टाइप के बॉक्स ले लेने हैं और घर में और भी आपको ढेर सारे जो बॉक्स आते हैं उसको असेंबल करके हम पूरा प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। तो हम प्रोजेक्ट रेडी करने जा रहे हैं। ये बॉक्स आपको ले लिया है, बॉक्स के अलग अलग स्टेप, बड़े जितने साइज़ का आपको चाहिए वो लेना है आपको। इसको स्टेप से स्टैंड भी करना है, साइड में स्टैंड करके बनाएंगे पेड़, न्यूज़पेपर से पेड़ बनाएंगे क्योंकि इको फ्रेंडली बनाना है। बिल्कुल कुछ भी हमको प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी है। तो इस टाइप से हम इसको लेकर शुरू करने आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा मडी कलर कर दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये धीमे धीरे पूरा पेंट करना होता है और फिर बाद में ग्रीन का टेक्सचर दे देंगे इसके ऊपर। ये बेसिक बेस है, इसका बेस कलरिंग है, इसके अलग और कलर होगा। ये देखिए इस टाइप से बना दिया हमने, कलर कर दिया है। अभी इसके ऊपर लीफ लगानी है। ये मेरा लीफ लगा कर लेबलिंग करना है, इसके चारों तरफ मुझे ट्रेंडेड पेपर लगाना है। ये प्रोजेक्ट एक दिन में रेडी नहीं होता है। पहले नीचे का बेस बनाते हैं, फिर बॉक्सेस रखते हैं, उसको टिश्यू पेपर से कवर करते हैं। टिश्यू पेपर जब सूख जाता है उसके बाद हम एक बेसिक कलर करते हैं जो हमने आपको पहले मड दिखाया था। उसके बाद से फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं। फैब्रिक कलर से क्या होता है, ये ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए स्कूल में भी प्रोजेक्ट ऐसे डिस्प्ले में लगाया था, पीछे चार्ट पे लगाते हैं। बच्चे जो जो चीज़ बने हुए एनिमल्स उसका गेटअप करते हैं, वैसा वो ड्रेसअप करते हैं। उन्होंने कुछ मुझे वीडियो भेजा था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बच्चों के साथ ये वीडियो हमने ऐड कर दिया है उनके साथ, उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। उन्होंने काफ़ी ऐसा प्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ अचीव किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने तो सिंपल से एक मॉडल रेडी किया था, सारा क्रेडिट मेरे बच्चों को जाता है। वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी अच्छा कहते हैं और उनके बोलने और कहने से ही प्राइज़ मिलता है क्योंकि ये मम्मियाँ और सब पेरेंट्स मिलकर इसके हेल्प से बनता है ये प्रोजेक्ट। किसी का कुछ आइडिया होता है, किसी का कुछ चीज़ें होती हैं, किसी के कुछ कटिंग होता है, सब लोगों ने मिलकर मुझे सब करके दिया था हेल्प और मैंने ये आइडिया देकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप सबके हेल्प से ये वीडियो प्रोजेक्ट रेडी हुआ है। तो हम सब बच्चों को भी थैंक यू बोलेंगे, सब पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलेंगे मेरे इस प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए। और फिर मैंने इस वीडियो को आपके यूट्यूब में डालने की कोशिश की है ताकि इसके थ्रू और भी ढेर सारे बच्चे लाइफ टाइम इसको देख कर बना सकें और इससे आइडिया ले सकें। तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया कीजिए। और बहुत पेशेंस से ड्राइंग प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, इतनी जल्दी सब नहीं बनता है, ठीक है। ये बच्चे देखिए अच्छे से बोल रही है। Called a lamb. This is a cow. This baby called a